हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अन अकेडमी ऐप और यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 19 जनवरी 2019 वार शनिवार के हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑन ए 3-डे विजिट टू गुजरात। ही अटेंडेड और इनॉग्रेटेड वेरियस इनिशिएटिव्स एट द डिफरेंट वेन्यूज। फर्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स द अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019। सेकंड, पीएम अनवेल्स विभ्रांत गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इन गांधीनगर। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 9th एडिशन ऑफ विभ्रांत गुजरात समिट टूडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की गुजरात यात्रा पर थे। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पहलों का उद्घाटन किया, जिनमें प्रथम है अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2019 का उद्घाटन, द्वितीय है गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का अनावरण किया और तृतीय है मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात समिट के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे एंड ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा इनॉग्रेटेड द 25th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग BES एक्सपो 2019 इन न्यू दिल्ली। द थीम फॉर दिस एग्जीबिशन इज नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द IT वर्ल्ड। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने नई दिल्ली में स्थलीय और उपग्रह प्रसारण BES एक्सपो 2019 पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द IT वर्ल्ड है। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द उन्नति यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो इन बेंगलुरु कर्नाटका। उत्तर पूर्वी क्षेत्र IC के परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो द्वारा आयोजित उन्नति यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, द सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल हैज बिगन इन नागपुर। द फेस्टिवल वाइल ऑफरिंग इट्स फ्रेम ऑरेंज टू द वर्ल्ड विल आल्सो शोकेस एंड ब्रांड द एग्जीक्यूट साइट फ्रूट इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट। नागपुर में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हो गया है। त्यौहार दुनिया को अपने प्रसिद्ध संतरे की पेशकश करते हुए अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तम फल का प्रदर्शन और ब्रांड भी करेगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु इनॉग्रेटेड द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया रबर एक्सपो 2019 इन मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। एस इंडियन फीमेल रेसलर विनेश फोगाट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू रिसीव ए नॉमिनेशन इन द प्रेस्टिजियस ड्यूरस वर्ल्ड कॉम्बैक ऑफ द ईयर अवार्ड। सी हैज बीन नॉमिनेटेड अलोंगसाइड US टूर चैंपियनशिप
winner Tiger Woods, who won his first tournament in 5 years. प्रमुख भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड कॉम्बैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। उन्हें यूएस टूर चैंपियनशिप विजेता टाइगर वुड्स के साथ नामित किया गया है। नेक्स्ट, द जापान प्राइज फाउंडेशन अनाउंस्ड इंडिया बॉर्न प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ सॉइल साइंस एट द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी इन कोलम्बस ओहियो यूएसए एज द रिसिपियंट ऑफ द 2019 जापान प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी। जापान प्राइज फाउंडेशन ने अमेरिका के कोलंबस ओहियो राज्य में मृदा विज्ञान के विश्वविद्यालय के भारत में जन्मे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल को जैविक उत्पादन पारिस्थितिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 के जापान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज व्यापार वाणिज्य समाचार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अनाउंस्ड दैट ग्रुप कंपनीज रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो इन्फोकॉम वुड जॉइंटली लॉन्च ए न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि समूह की कंपनियां रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम संयुक्त रूप से देश में एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी। नेक्स्ट, रैंक्स एंड रिपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंडिया आरए ए पिच ग्रुप कंपनी एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ कुड टच 7.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज अगेंस्ट 7.2% ड्यूरिंग करंट फिस्काल दैट इज 2080 और 90 ईयर्स। पिच ग्रुप कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% को छू सकती है, जबकि यह चालू वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7.2% थी। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज द 14th एडिशन ऑफ इट्स एनुअल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019। द रिपोर्ट्स फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एनुअल ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे इन विच नियरली 1000 डिसीजन मेकर्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी असेस द रिस्क फेसिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 का 14वां संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट का निष्कर्ष वार्षिक वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें दुनिया के सामने आने वाले जोखिमों को आकलन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र शिक्षा और नागरिक समाज के लगभग 1000 निर्णयकर्ता शामिल हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द थर्ड वनडे टुडे टू क्लिंच द 3-match series 2-1 विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट विजिटिंग साइड टू विन ए बायलेटरल सीरीज 2 or more matches इन ऑल 3 formats इन ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर आज 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया में तीनों प्रारूपों में द्विपक्षीय श्रृंखला 2 या अधिक मैच जीतने वाला पहला मेहमान देश बन गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट जरूर करें। अनअकैडमी ऐप यूवी कॉम्पिटिशंस पर हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टाग्राम और अनअकैडमी ऐप पर हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।